नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं एक कार्ड मेरे पास अलग टाइप का रखा हुआ है। ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ये इनो 3D का कार्ड है और ये है 4090। और इसका मेमोरी साइज अगर मैं बताऊं आपको, ये है 24GB का कार्ड है। और ये जो आया था मेरे पास काफ़ी बुरा कंडीशन में था और सर्विस सेंटर ने इसने रिजेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये जो है बर्न वगैरह भी है कई जगह पे। मैंने इसको सही करा है, एक्चुअली ये कार्ड जो है सही कर चुका हूँ मैं। इसको रिपेयर आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा भारी है क्योंकि लिक्विड वाला सिस्टम है। तो आप लोग देख सकते हैं ये है कार्ड का कंडीशन। तो ये कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था इसमें। सबसे पहला तो शॉर्टिंग था, नो पावर था, थोड़ा जला हुआ भी था ये सब जगह पे, और सप्लाई इसमें कोई भी नहीं बन रहा था, ना फैन तो इसमें है ही नहीं, नो पावर था कुल मिला के। तो ये कार्ड जो है काफ़ी जगह पे जो है काम करके फाइनली इस कार्ड को मैंने बना दिया है। और इसका जो है पावर कनेक्टर है ये भी थोड़ा अलग टाइप का है। तो अभी इसको मैं पूरा फुल बेंचमार्क वगैरह तो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए लिक्विड कूलर पूरा सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन इसको फ़िलहाल मैं आपको ऑन करके डिस्प्ले वगैरह दिखा दूंगा। ये कार्ड ये परफेक्टली रिपेयर हो गया है और टाइम बहुत लगा है, मेहनत भी बहुत हुआ है, और लेकिन यह है कि फाइनली कार्ड रिपेयर हो गया है। तो इसको लगा दिया हमने मदरबोर्ड पर करेक्ट, और अभी करते हैं इसको पावर ऑन। ये फैन घूम गया है और स्क्रीन पे देखो डिस्प्ले आ चुका है 4090। ठीक है, डिस्प्ले पूरा कम्प्लीटली क्लियर है बिल्कुल। और इसमें जो है एक बार विंडो लगा लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर चल नहीं पाएगा, इसमें थर्मल पैड वगैरह भी ठीक से लगा हुआ नहीं है, प्लस इसका तो फैन का सिस्टम ही नहीं है कुछ। तो ये 4090 कार्ड का जो है सीरीज़ में हमारा ये सबसे पहला कार्ड आया मेरे पास। अभी तक इससे पहले हम 4090 का कोई भी कार्ड नहीं आया था, तो ये पहला कार्ड आया था, इसका वीडियो दिखाना ज़रूरी था। और ये रिपेयर भी हो गया, ये भी एक अच्छी बात है। इसमें भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें जो कंपोनेंट्स वगैरह है ना वो भी रेयर नहीं है, 30 सीरीज़ के कंपोनेंट ही है इसमें, लगभग कोई अलग नहीं है। तो जो 30 सीरीज़ के रिपेयर हो सकते हैं, तो ये भी हर मॉडल रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ड्राइवर ले लें एक बार, उसके बाद जो इसको बंद कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर इशू हो सकता है। 40 सीरीज़ के कार्ड में जो है ना लिक्विड मेटल वाला भी आता है, थर्मल वाला भी आता है, फैन वाले मॉडल भी आते हैं, कई सारे मॉडल आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं बहुत हेवी वाले हीट सिंक होते हैं सब में। पता नहीं ये ड्राइवर ऑटोमेटिक लेगा कि नहीं। दोस्तों ब्लिंक करा है और ये ड्राइवर वापस आ गया लेने के बाद। आप देख सकते हो ये शो हो रहा है RTX 4090। ठीक है, और अगर मैं इसकी डिटेल दिखाऊं, डिटेल टेम्परेचर वगैरह सब कुछ देखो 4090, और इसका डिटेल अगर दिखाऊं मैं, ये देखिए 24GB रैम पूरा शो कर रहा है, DDR6X माइक्रोन मेमोरी। ठीक है, तो ये कार्ड हमारा परफेक्टली रिपेयर हो गया है। अब इसकी जो है बेंचमार्क वगैरह तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि
हीट होने लग जाएगा। तो कार्ड बिल्कुल ओके हो चुका है, नो पावर था, बर्न्ट भी था और मॉस्फेट वगैरह भी अंदर शॉर्टिंग वगैरह भी था और सप्लाई भी कोई भी नहीं था। तो अभी कुल मिला के कार्ड बिल्कुल ओके हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि 40 सीरीज़ के कार्ड भी हमारे पास आना स्टार्ट हो गया है और आप लोगों के पास भी 40 सीरीज़ के कार्ड है तो आप लोग भेज सकते हो रिपेयर के लिए। इसके भी सारे कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं क्योंकि ये 30 सीरीज़ के जैसा ही है। किसी किसी कार्ड में थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स मॉडल यूज़ किया हुआ है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये एक 3080 Ti भी आया हुआ था, ठीक है, ये आई गेम वालों का है। इसमें स्क्रीन भी होता है, स्क्रीन होता है, देखो कार्ड के ऊपर अपना खुद का स्क्रीन है और ये भी परफेक्टली रिपेयर हो गया है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, इसमें भी मेमोरी वाला काम भी हुआ है और मेन चिप पे भी काम हुआ है। फाइनली ये भी हो गया है काम इसका और ये परफेक्टली जो है गेम प्ले हो रहा है। तो 3080 Ti ये भी रिपेयर हो गया है और एक 4090 वो भी हो गया है। तो ये दो बड़ा कार्ड